राजेश कुमार द्वारा जुआरियों सटोरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस लगातार जुआ सट्टा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री नेहा पच्चीसिया, कोतवाली TI निरीक्षक उमेश कुमार मिश्रा के द्वारा मय दल बल के साथ शहर के विभिन्न जगहों पर छापे डालकर 5 सटोरियों को सट्टा उपकरण नकदी सहित पकड़ा गया। उनके खिलाफ 13 जुआ एक्ट द्रुत क्रीड़ा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। शहर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग सट्टा खिलवा रहे हैं। इसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी उमेश मिश्रा के अलावा मय पुलिस बल के मुखबिर द्वारा बताए गए संभावित स्थानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिससे शहर के बलवंत नगर, विकास नगर, महावीरपुरा, पाकिजा मॉल के पीछे आदि स्थानों पर सटोरिए पकड़े गए। उक्त व्यक्तियों के द्वारा 1 के 90 के चक्कर में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनको पुलिस द्वारा मौके पर पकड़ लिया गया। उनसे सट्टे के उपकरण सहित नकदी रुपए बरामद किए गए। सभी के खिलाफ 13 जुआ एक्ट धूत कीड़ा अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की गई। कोतवाली पुलिस लंबे समय से जुआरियों सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, फिर भी सटोरिया नेता नगरी की आड़ लेकर अपना धंधा चमकाने में लगे हुए हैं। विश्वसनीय सूत्र यह बताते हैं कि कुछ सटोरिये राजनीति का चोला पहनकर खुद ही बड़ी खाईबाजी करते हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि कुछ सटोरियों के द्वारा नेताओं को उपहार प्रदान किए जाते हैं, जिसके चलते उन्हें पुलिस से अभयदान मिलता रहता है। शहर के कुछ ऐसे ही नामचीन सटोरिये नेताओं के इर्द गिर्द आसानी से देखने मिल सकते हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा कुछ समय पूर्व कुछ सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस पर रुपए मांगने के आरोप पर दबाव बनाने के उद्देश्य भी लगाए गए थे।